हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नेशनल इनकम के मेथड्स के बारे में और नेशनल इनकम की डेफिनेशन के बारे में और नेशनल इनकम के कंसेप्ट्स के बारे में। नेशनल इनकम की डेफिनेशन के बारे में जो हम लोगों ने बात की थी वो ये थी कि नेशनल इनकम जो एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का, एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं का बिना दोरी करना किए हुए जो मौद्रिक मूल्य होता है प्लस जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। ये बात हम लोगों ने मोटे तौर पर उस डेफिनेशन में देखी थी। इसके बाद में हमने आपको एक डायग्राम बनाकर ये भी बताया था कि किस तरह से जितने का प्रोडक्शन होता है किसी इकोनॉमी में उस इकोनॉमी में उतने के ही बराबर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगे होते हैं प्रोडक्शन करने में उनकी इनकम होती है, और उसके बाद में वो जो इनकम होती है वो इनकम के दो हिस्से हो जाते हैं। यानी इनकम जो किसी व्यक्ति की होती है या तो वो उसे कंजम्पशन पर खर्च कर देता है और या उसे सेव कर लेता है। अगर वो कंजम्पशन पर खर्च कर देता है तो वो खर्च होकर फिर मार्केट पर आ जाता है और वो कंजम्पशन गुड्स की डिमांड को क्रिएट करता है, और जो सेव हो जाता है वो सेव होकर फिर वापस में इन्वेस्टमेंट गुड्स के तौर पर डिमांड करता हुआ मार्केट में आता है। यानी सेविंग जो है वो इन्वेस्ट हो जाती है और जो इन्वेस्ट होती है वो इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड करती है। तो यानी कि जितने की इनकम होती है उतने के ही बराबर खर्च हो जाता है, चाहे कंजम्पशन गुड्स की डिमांड के तौर पर हो और चाहे वो इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड। तो यानी कि अब ये पता चला हमें कि जितने का प्रोडक्शन हुआ उतने के ही बराबर इनकम हुई, और जितने के बराबर इनकम हुई उतने के ही बराबर एक्सपेंडिचर हो गया, और जो एक्सपेंडिचर हुआ और फिर वो वापस उतने के ही बराबर प्रोडक्शन को क्रिएट करेगा। तो इस तरह से ये हो गया कि जितने का प्रोडक्शन होगा उतने की ही इनकम होगी और उतने का ही एक्सपेंडिचर होगा। इसलिए नेशनल इनकम हम लोग तीन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो जितना भी प्रोडक्शन है उसको हमने जोड़ लिया तो हमको प्रोडक्ट मेथड से और वैल्यू एडेड मेथड से हमको नेशनल इनकम पता चल जाता है। जितनी इनकम हो वो सब हम जोड़ लें तो हमें इनकम मेथड से पता चलेगा नेशनल इनकम, और अगर सारा एक्सपेंडिचर जोड़ लें तो वो एक्सपेंडिचर मेथड से पता चलेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने इस पर सिर्फ बात की थी प्रोडक्ट मेथड पर, और बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड को अभी हम लोग होल्ड पे रख दिए थे। इसके बीच में हमने एक बात और पिछले वीडियो में की थी कि कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम क्या है। वो कंसेप्ट, ये तीन कंसेप्ट हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। पहला कंसेप्ट था नेशनल एंड डोमेस्टिक का, यानी नेशनल और डोमेस्टिक में किस चीज का फर्क होता है। अब ये नेशनल हो सकता है कि नेशनल जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो या नेट नेशनल प्रोडक्ट हो, और डोमेस्टिक से मतलब जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या एनडीपी यानी नेट नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो। तो यानी कि जो नेशनल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनमें फर्क किस चीज का होता है, उनमें फर्क होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। यानी जीएनपी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ी हुई होती है जबकि जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ी हुई नहीं। दूसरा कंसेप्ट था ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस जिसे हम कहते हैं जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा नेट का मतलब हो गया एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस और नेट में जो फर्क होता है वो खाए का होता है, वो डेप्रिसिएशन का होता है। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। तीसरा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस काहे का होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का होता है। यानी मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े होते हैं जबकि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े हुए नहीं होते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, वो निकलता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। यानी सरकार हमको से कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस के तौर पर लेती है लेकिन कुछ हमको वो सब्सिडीज के तौर पर देती भी है। तो अब क्या हुआ कि जो वो हमसे लेती है
यानी हमसे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लिया 1,000 रुपए और हमको सब्सिडी के तौर पर उसने 2,500 वापस किया, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने का हो गया, 1,000 - 250 = 750, तो ये हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये बात हम लोगों ने पिछले टर्न पर की थी और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो आज हम लोग एक बहुत सिंपल से कुछ कंसेप्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ हम वो लेंगे, अभी हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे, बल्कि हम सिर्फ नेशनल इनकम के जो कंसेप्ट हैं ये तीन, इन तीन कंसेप्ट से रिलेटेड सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, जिसे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हम लोग कहते हैं, और वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हम लोग यहां ले रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये हमको दी हुई है जिसमें हमको GNP एट मार्केट प्राइस दिया है 92503 और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है -301, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 6699, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 18576 और इसके बाद हमसे कहा गया है कि आप कैलकुलेट कीजिए GNPA फैक्टर कॉस्ट, NNPA फैक्टर कॉस्ट, NDPA फैक्टर कॉस्ट और NDPA मार्केट प्राइस। जब आपको इस तरह से अलग अलग कर दे दिया जाए कि आप ये आइटम्स कैलकुलेट कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान हो जाती हैं चीजें। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, GNPA फैक्टर कॉस्ट। अब GNPA फैक्टर कॉस्ट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो GNPA फैक्टर कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करें, GNPA फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, और आपको मालूम क्या है, GNPA मार्केट प्राइस, GNPA मार्केट प्राइस आपको पता है। तो आप फैक्टर कॉस्ट आपको GNP इधर भी है, GNP इधर भी है, यहां आपको पता करना है फैक्टर कॉस्ट जबकि आपको मालूम है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, ये यहां देखिए कंसेप्ट में हमने लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस काहे का होता है, डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, यानी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है, अगर मार्केट प्राइस से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दें तो हमको फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगा। तो अब GNPA मार्केट प्राइस हमको दिया है 92503 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको दिए हैं 18576 इज इक्वल टू, जो आया वो हो गया हमारा GNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये आ गया 73927, ये हुआ GNP एट फैक्टर कॉस्ट, बहुत आसान था। दूसरा इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए, दूसरा कहा गया है NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, तो अब NNP एट फैक्टर कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लें, NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है और आपने अभी अभी GNP एट फैक्टर कॉस्ट पता किया है तो अब आपको GNP एट फैक्टर कॉस्ट आपको मालूम है। तो अब यहां GNP एट फैक्टर कॉस्ट पता करना दिया हुआ है और जबकि आपको पता करना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो ग्रॉस और नेट में काहे का फर्क होता है, यहां हम लोग देख लें, यहां देखिए आप ये ग्रॉस और नेट में जो फर्क है वो काहे का है, वो है डेप्रिसिएशन का, यानी ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमको नेट मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो अब क्या हुआ, ग्रॉस GNPA फैक्टर कॉस्ट हमको निकल के आई थी 73927 माइनस डेप्रिसिएशन कितने का है 6699, तो अब हमको पता चल गई NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो ये हमारी NNP एट फैक्टर कॉस्ट आई 6722A। अब तीसरी चीज हमसे क्या कही है पता करने को, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो अब हम लोग यहां NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, आपको पता चल गई है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट आपको पता चल गई। अब यहां क्या है, ये डोमेस्टिक आपको पता करना है और नेशनल आपको दी हुई है, तो डोमेस्टिक और नेशनल में काहे का फर्क होता है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का होता है, यानी डोमेस्टिक पता करने के लिए नेशनल में से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटा दिया जाएगा, यहां नेट इनकम
फ्रॉम एब्रॉड घटा दीजिए तो ये आ गया एनएनपीएफ फैक्टर कॉस्ट आया था 67228 माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितने का है -301 का। ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे और ये हो गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये आ गया हमारा 67529। और लास्ट वन जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अब ये हम पहले कैलकुलेट कर लें एनडीपी एट मार्केट प्राइस। आपको पता चल चुका है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये आसान हो गया है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस काहे का है आपको पता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये आपको दिए हुए हैं, तो मार्केट प्राइस पता करने के लिए फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिए जाएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दीजिए तो अब आ गया ये एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आया था आपका 67529 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 18576 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 86105। ये आ गया एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इस तरह से ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ था कंसेप्ट का, तो उस तरह से हम लोगों ने इसके कंसेप्ट लगा दिए। लेकिन सवाल इतना आसान भी नहीं होगा, एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जिसमें हमसे इस तरह से अलग अलग सब कैलकुलेट करने को ना दिए हुए हों तो किस तरह की होगी प्रॉब्लम, इसको हम लोग देखते हैं। एक नई प्रॉब्लम लेते हैं, एक नई प्रॉब्लम इसमें हमसे कहा गया है कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें हमको नेशनल इनकम दिया हुआ है, नेशनल इनकम दी हुई है 50,000 और डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन है 7,000, सब्सिडी दी हुई है 600, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं 7,600, इंपोर्ट्स दिए हुए हैं 5,000 और एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं 6,000, और इसके बाद में कहा गया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट। अब यहां पर आपको अलग अलग कैलकुलेट करने को कुछ भी नहीं दिया है कि पहले आप एनएनपी कैलकुलेट कीजिए, फिर एनएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कीजिए, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, इस तरह की कोई चीज नहीं दी गई है। अब यहां आपको सीधा क्या दिया हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और दूसरी चीज दी हुई है नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम हमेशा होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी अगर कहीं नेशनल इनकम दी है तो इसके मतलब है कि वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, या कहीं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दी है तो इसके मतलब है कि नेशनल इनकम दी है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि नेशनल इनकम को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। तो आपको दिया हुआ है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और आपको पता करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो आप पहले क्या कैलकुलेट करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए कि वो ये नहीं समझ पाते कि हमको यहां ये दिया हुआ है और हमको ये निकालना है तो हम किस तरह से निकालेंगे। कभी कभी वो 5-6-7 स्टेप्स तक लेते हैं। यहां पे मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता दूं, मैक्सिमम कुछ भी दिया हो और कुछ भी निकालना हो, यानी आपको नेशनल इनकम दी हुई है, जीडीपी निकालना है, एनडीपी निकालना है, कुछ भी कुछ निकाल, मैक्सिमम 3 स्टेप ही लगेंगे, 3 स्टेप से ज्यादा कभी भी नहीं लगेंगे। अगर जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं अगर आप उस तरीके से निकालेंगे, कुछ भी दिया हो और कुछ भी निकालना हो, यानी कोई भी कंसेप्ट दिया हो और कोई भी कंसेप्ट आपको निकालना हो, आपको मैक्सिमम 3
स्टेप लगेंगे। अब यहां हम लोग देखते हैं हमको दिया क्या है, हमको दिया है जो दिया है वो यहां आप पहले ऊपर लिख लें, आपको क्या दिया हुआ है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। और आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यह आपको पता करना है और यह आपको दिया हुआ है, यह आपको पता करना है, ठीक। तो सबसे पहले यहां हमको ग्रॉस पता करना है जबकि हमको दिया हुआ है नेट, तो सबसे पहले हम लोग इस नेट से सबसे पहले ग्रॉस निकालेंगे, यानी अब इस एन को हम जी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी अब यहां अगर हम लोग पहला स्टेप देखेंगे तो क्या इस एन को की जगह हम लोग जी लिखते हैं क्योंकि ये जी है, यानी ग्रॉस पता करना है तो इसलिए पहले एन को हम लोग जी में कन्वर्ट कर लें, बाकी ये दोनों चीजें ऐसे ही लिख देंगे, यानी जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। पहली चीज जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट। समझे आप कैसे, पहली बात क्या जो आपको पता करना है वो है जीडीपी और आपको दिया हुआ है एनएनपी, तो आप जो पता करना है और जो दिया हुआ है उस दिए हुए में आप पहले आपको दिया है नेशनल और आपको पता करना है ग्रॉस, तो आप इस नेशनल को ग्रॉस यानी जी में कन्वर्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें ऐसे ही लिख दें। तो पहली चीज आपके पास निकल आई जो आपको पता करना है वो जी एनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब दूसरे आपको यहां पता करना है डोमेस्टिक और जबकि अभी आपको पता है क्या नेशनल, आपको पता है नेशनल और जबकि आपको पता करना है डोमेस्टिक, तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा जो आप पता करेंगे, वो आप पता करेंगे जी, इस एनपी की जगह आप क्या कैलकुलेट करेंगे बीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो तीसरी चीज आपको दी हुई थी वो ऐसे ही देंगे, तो अब दो हो गए। और तीसरा जो आप इसमें स्टेप लेंगे वो ये देंगे, तो यानी कि अब आपको जीडीपी यहां भी पता चल गया, जीडीपी यहां भी आपको पता करना था, अब यहां मार्केट प्राइस पता करना है, यहां फैक्टर कॉस्ट है, तो तीसरा स्टेप होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो मैक्सिमम कितने स्टेप लगे, तीन स्टेप। कोई भी प्रॉब्लम दियो अगर आप इस तरह से एक एक करके चेंज करें, यानी पहले इसको चेंज कर लें फिर इसको चेंज कर लें फिर इसको चेंज कर लें किसमें इसमें, तब आपको मैक्सिमम तीन स्टेप लगेंगे, वरना आप इसी में कंफ्यूज रहिएगा कि इसको किस प्रकार से हम चेंज करें। तो अब इस तरह से आ जाने के बाद अब हम लोग कैलकुलेट कर लें, पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पता करने के लिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दी हुई है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको दिया हुआ है, तो ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो काय का होता है, ग्रॉस और नेट में जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन का, यानी ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ी होती है, नेट में डेप्रिसिएशन जुड़ी हुई नहीं होती है, तो नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए तो हमें ग्रॉस पता चल जाएगा। अब ये आ गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमको दिया हुआ है 50,000 प्लस डेप्रिसिएशन कितने का है 7,000 इज इक्वल टू 57,000, ये क्या आ गया जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमको दूसरा स्टेप क्या पता करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता करना है, और हमको पता है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता करने के लिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पता करना है, और तो हम क्या करेंगे यहां जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिख देंगे। जीएनपी और जीडीपी में काय का फर्क है, जीएनपी यानी डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस काय का होता है, नेशनल और डोमेस्टिक में जो डिफरेंस है वो होता है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड का, यानी नेशनल में नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जुड़ी हुई होती है जबकि डोमेस्टिक पता करने के लिए नेशनल में से नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड घटा देंगे, माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड घटा दी जाएगी। अब ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम घटाएंगे तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड कैसे आती है, ये होती है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो अब यहां हमारी आई है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 57,000 माइनस एक्सपोर्ट कितने के हैं, एक्सपोर्ट्स हैं 6,000 माइनस इंपोर्ट है 5,000 इज इक्वल टू 57,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 56,000
ये क्या आ गई हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये आ गई हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट 56,000। तीसरा जो चीज हमको पता क्या करनी है फाइनली, वो हमें पता करनी है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये तीसरा हमारा जो निकल के आया था जो हमें पता करना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता करने के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता करेंगे, और हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पर हम लोग इसे पता कर लेते हैं, ये ज्यादा बेहतर जगह है, यहां हम लोग पता कर लेते हैं। ये हमको दिया हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस पता करना है, जबकि हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट होकर कितनी आई है, ये आई है 56,000। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो क्या है, ये है मार्केट प्राइस और ये फैक्टर कॉस्ट। इसमें डिफरेंस जो होता है वो काहे का होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। यहां इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज आपको दी हुई है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट कर लेंगे। ये होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिए जाएंगे, टैक्सेस जोड़ देंगे। ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक। अब यहां आ जाइए, ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका निकल के आया था 556,000 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो हैं 7,000 के। ये कैसे निकले, 7,600 माइनस 600 सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 7,600 और सब्सिडीज कितने की है 600 की, तो 7,600 माइनस 600 इज इक्वल टू 7,000। तो अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा आ गया 56,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 63,000। इस तरह से हम लोगों ने कंसेप्चुअल सवाल लगाए, और कंसेप्चुअल सवाल में इस तरह से हमने देखा कि अगर हमको अलग अलग आइटम्स कैलकुलेट करने को दे दिए हों, कंसेप्ट्स कैलकुलेट करने को सवाल में अलग अलग दिए हों, तो बहुत आसान होता है, जैसे जैसे स्टेप दिया होगा उस तरह से हम निकाल देंगे। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट अलग अलग कैलकुलेट ना करना हो, बल्कि हमको जैसे यहां नेशनल इनकम दिया है और कहा गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कीजिए, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए इसको फॉलो करेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा, और इस तरह से बहुत आसानी से आप कंसेप्ट को समझ भी लेंगे और सवाल या प्रॉब्लम्स को हल भी कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की।